नमस्कार दोस्तों, मेरे आईपीसी के अनदर वीडियो में आपका स्वागत है। अगर आपने पहले वीडियो आईपीसी की नहीं देखी जिसके अंदर मैंने बात किया है सेक्शन 34 के स्कोप एसेंशियल्स एंड प्रिंसिपल की, और उसके अंदर केसेस भी एक आध बताए हैं, वीरेंद्र कुमार घोष वर्सेस स्टेट ऑफ एम्परर और महबूब शाह केसेस वगैरह, मैंने डिटेल में डिस्कस नहीं किया बट डिस्कस किया है। हम पढ़ रहे हैं अभी आईपीसी की जॉइंट लाइबिलिटी। क्या पढ़ रहे हैं हम? जॉइंट लाइबिलिटी। ओके, सेक्शन कहाँ से 34 से 38 तक डिफाइन किया गया है कि जॉइंट लाइबिलिटी यानी कि संयुक्त दायित्व क्या होता है। 34 में एक्ट डन बाय सेवरल पर्सन इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन। कॉमन इंटेंशन वगैरह आपने अगर नहीं देखा तो सेक्शन 34 जरूर देख लें, पूरा डिटेल में 16 मिनट की वीडियो है, जितना मैंने कम मिनट में बनाने की कोशिश की है उसे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सेक्शन 35 क्या कहता है ये देखते हैं। व्हेन सच एक्ट इज क्रिमिनल, ये हम 35 से लेकर 38 तक हम जो पढ़ने वाले हैं तो वो हम पढ़ेंगे शॉर्ट शॉर्ट में, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता जितना कि 34 जो इंपॉर्टेंट है जुडिशरी के बेस पे, और भी BA LLB की कोर्सेस और APO से रिलेटेड जितना कुछ है ना उसमें इंपॉर्टेंट है 34 का रोल ओरिजिनल, क्योंकि वहाँ पर कॉमन इंटेंशन बताया गया है। ओके, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया तो सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर कर दें। देखिए सेक्शन 35 क्या कहता है, व्हेन सच एक्ट इज़ अ क्रिमिनल बाय रीजन ऑफ इट्स बीइंग डन विद अ क्रिमिनल नॉलेज और इंटेंशन। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या कहता है कि कोई भी एक्ट क्रिमिनल बाय रीजन, ठीक है ना, कोई भी एक्ट क्रिमिनल होगा कब, बाय रीजन विद क्रिमिनल नॉलेज और इंटेंशन। अगर कोई एक्ट होता है तो उसमें नॉलेज हो, क्रिमिनल का नॉलेज हो, यानी कि जो बंदा कर रहा है तो वो क्राइम ही कर रहा है, ठीक है ना। जैसे कि ए जो है बी को जान से मार दे रहा है, थप्पड़ नहीं मार रहा है, जान से मार दे रहा है, तो वहाँ क्रिमिनल एक्ट हो, ठीक है। और दूसरा जो है इंटेंशन हो, क्या हो, इंटेंशन, एबिल इंटेंशन हो, जिसको मेंसरिया कहते हैं। मेंसरिया पे मैं वीडियो बनाऊंगा फुल डिटेल में, स्कोप वगैरह से रिलेटेड, स्ट्रेटरी जितने होता है मेंसरिया से रिलेटेड पूरा बना दूंगा मैं। तो नॉलेज है, कैसा नॉलेज है, क्रिमिनल नॉलेज होना चाहिए पहले, यानी कि ए के अंदर क्रिमिनल नॉलेज हो जाइए होना चाहिए कि मुझे सी को मारना है जान से, क्रिमिनल नॉलेज हो गया। इंटेंशन होना चाहिए यानी कि एबिल इंटेंशन होना चाहिए कि मुझे सी को मारना ही मारना है जान से। तो ये क्या हो गया, ये हो गया सेक्शन 35 में डिफाइन। देखिए इसका डेफिनेशन क्या कहता है, वेन एवर एन एक्ट डन बाय रीजन ऑफ क्रिमिनल नॉलेज और इंटेंशन इज डन बाय सेवरल पर्सन। देखिए सेवरल पर्सन की यहाँ बात कर रही है, क्योंकि जॉइंट लाइबिलिटी की बात कर रहे हैं तो हम जॉइंट लाइबिलिटी में सेक्शन 34 से लेके सेक्शन 38 तक डील करते हैं। और सेक्शन 34 क्या कहता है कि कॉमन इंटेंशन एक्ट क्रिमिनल एक्ट डन बाय अ सेवरल पर्सन इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन। तो 35 भी यही डील करता है, दो या दो से ज़्यादा जब लोग मिल के क्रिमिनल नॉलेज हो, ठीक, इंटेंशन हो, तो वो एक बंदा करे या चाहे दो बंदा करे, चाहे एक बंदा अकेले क्यों ना उस एक्ट को करे, लेकिन उसमें इन्वॉल्वमेंट सभी का होना चाहिए, तो एक बंदे को भी वही सज़ा मिलेगी जो कि दूसरे बंदे को मिलेगी, जो कि तीसरे बंदे को सज़ा मिलेगी। ओके, यही सेक्शन 37 पे पहले आते हैं, 36 पे बाद में जाएंगे क्योंकि उसमें थोड़ा सा अलग है। सेक्शन 37 क्या कहता है, सेक्शन 37 कहता है कोऑपरेशन बाय डूइंग वन और सेवरल एक्ट कॉन्स्टिट्यूटिंग ऑफेंस। देखिए इस सेक्शन 37 में बात किया गया है कोऑपरेशन बाय डूइंग वन ऑफ द सेवरल एक्ट कॉन्स्टिट्यूटिंग ऑफेंस, यानी कि एक से ज़्यादा एक्ट करना, ठीक, एक से ज़्यादा एक्ट करना, एक या दो से ज़्यादा लोगों के द्वारा करना, लेकिन कॉन्स्टिट्यूट करना एक ही ऑफेंस को, किसमें, कॉमन इंटेंशन से डील करना, भले बारी बारी से उन्होंने उस एक्ट को अपने हिसाब से डील किया है, लेकिन उन्होंने जो अचीवमेंट प्राप्त की है, जो अचीवमेंट और जो रिजल्ट आया वो उन्होंने किसी बंदे को मार के ही दम लिया,
इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ए एंड बी एग्रीज टू मर्डर जेड बाय सेवरली एट अ डिफरेंट टाइम गिविंग हिम अ स्मॉल डोजेज ऑफ पॉइजन। देखिए ए और बी होते हैं, उन्होंने एग्री किया यानी कि इनका कॉमन इंटेंशन, जब एग्रीमेंट हो गया तो कॉमन इंटेंशन क्या था, जेड को मारना भैया, जेड को ख़त्म करना है। कैसे करना है, एक साथ नहीं करना, आराम आराम से करना है, एक साथ नहीं करना, आराम आराम से करना है। देखिए स्मॉल डोजेस उन्होंने पॉइजन का देना, जहर का देना स्टार्ट कर दिया। ए एंड बी एडमिनिस्टर्ड द पॉइजन अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट विद द इंटेंशन जेड एंड बोथ गिल्टी ऑफ द ऑफेंस। देखिए एक दिन ए ने जहर दिया, फिर अगले दिन बी ने जहर दिया, फिर अगले दिन बी ने जहर दिया। तो यहाँ पर लास्ट डे जब बी ने जहर दिया तो जेड जब है मर गया। तो इसका मतलब ये नहीं कि बी ने जेड को मारा, दोनों ने मिलके जेड को मारा, क्योंकि दोनों ने पॉइजन एडमिनिस्टर्ड किया था जेड को। तो यहाँ पर कॉमन इंटेंशन प्रूव हो जाता है कि एक बंदे ने मिलके कई सारे एक्ट करने के बाद अपने रिजल्ट को अचीव किया है। सेक्शन 36 के बारे में बात करते हैं। देखिए मैं आपको बेसिक रूल बता दूँ कि अगर आप असेंशियल्स लिखना चाहते हैं, इंग्रेडिएंट्स लिखना चाहते हैं, तो रटने की ज़रूरत नहीं है। आईपीसी में जो बेयर एक्ट होता है तो आप बेयर एक्ट को कंसीडर कीजिए, या फिर जहाँ पर भी आपको मिलता है डेफिनेशन किसी भी सेक्शन का, तो उस सेक्शन को आप तोड़ दीजिए, वो स्कोप और असेंशियल्स या इंग्रेडिएंट्स कह लो या प्रिंसिपल कह लो, वो हो जाता है। ओके तो सेक्शन 36 का इफेक्ट कॉज पार्टली बाय एक्ट एंड पार्टली बाय ओमिशन। देखिए सेक्शन 36 मैंने इसलिए बाद में लिखा है क्योंकि यहाँ पर बात करता है कि कुछ चीज़ें अचीव करना, यानी कि किसी भी चीज़ को अचीव करना पार्टली बाय एक्ट, ऐसा एक ओवर्ट एक्ट करना यानी कि कोई क्रिमिनल एक्ट करना, और पार्ट हम यहाँ क्रिमिनल एक्ट इसलिए बात करते हैं क्योंकि हम आईपीसी से डील कर रहे हैं। पार्टली बाय ओमिशन, ओमिशन के बारे में बात करना। देखिए एक्ट और ओमिशन किस सेक्शन में डिफाइन है, ये दोनों सेक्शन 33 में। अगर आपने नहीं देखा तो मेरा पहले वाला वीडियो ज़रूर देख लें। तो यहाँ पर हम देख समझते हैं एग्जांपल से। ए इंटेंशनली कॉजेज जेड डेथ। देखिए ए इंटेंशनली, देखिए यहाँ पर इंटेंशनली आईपीसी में एक एक वर्ड का मतलब बहुत ही वाइड है। इंटेंशनली कॉजेज जेड्स डेथ, ए चाहता है कि जे को मारूँ मैं। पार्टली बाय इलीगल ओमिटिंग टू जेड, इलीगल ओमिटिंग देखिए जेड, देखिए यहाँ पर पार्टली कैसे मारेगा जेड को, यहाँ पर उसने प्लान बनाया कि एक बार मैं खाना नहीं दूंगा, ठीक। एंड पार्टली बाय बीटिंग, खाना ना दूंगा और फिर मैं उसे मारूंगा, यानी कि मारना पार्टली बाय एक्ट, यानी कि मारना क्या है, वो एक्ट कर रहा है। और पार्टली बाय ओमिशन, ओमिशन यानी कि वो इलीगली भूल गया कि उसे खाना देना है और उसे खाना नहीं दिया उसने, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या है, उसने पार्टली आधे उसने ओमिशन एक्ट किया और आधा उसने जो है ओमिट किया। इससे क्या होता है कि वो मर्डर कर देता है, और जब वो मर्डर कर देता है तो ए जो है लाइबल हो जाएगा सेक्शन 36 के अंडर। ओके 38 उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट देख लेते हैं 38 में क्या है। अ पर्सन कंसर्न इन अ क्रिमिनल एक्ट मे बी गिल्टी ऑफ द डिफरेंस ऑफेंस। देखिए ये सेक्शन डील करता है कि अ पर्सन कंसर्न्ड यानी कि ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों का इंटेंशन होता है, क्रिमिनल इंटेंशन होता है डी को मारना, बट यहाँ पर ये ए बी और सी ही सिर्फ डी को मारते हैं। ए का दिमाग वहाँ पर चेंज हो जाता है एट द स्पर ऑफ द मोमेंट, और वो वहाँ पर खाली देखता रहता है कि भैया मुझे नहीं मारना, मेरे को मारने का मन नहीं है, डी को मुझे किल नहीं करना। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर इन दोनों की सज़ा जो है अकॉर्डिंग टू प्रूफ, इनको ज़्यादा सज़ा मिलेगी और इसको कम सज़ा मिलेगी, या इसकी जो है ना चार्जेस चेंज हो जाएंगे, ठीक। तो ये सेक्शन डील करता है 38 में। ओके तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सेक्शन 34 हाउ इज डिफरेंट बिटवीन सेक्शन 149, यानी कि कॉमन इंटेंशन वर्सेस कॉमन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो आई होप
आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, शेयर ज़रूर करें दोस्तों के साथ, और आपकी जुडिशरी की तैयारी अच्छा से चले, भगवान करे कि आप सफल हों। धन्यवाद।